19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन की टीम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी और सीएमओ के पास पहुंची। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में शहर के नागरिकों, लोगों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के लोग और सीएमओ ने अपील किया कि उत्सव की तरह मतदान जरूर करें। सिद्धांत सिंह, देखिए हम युवाओं को किया का ये राइट है कि हम वोट दें, हम अपना वोट देंगे तभी तो देश को अच्छा प्रधानमंत्री या जो भी हमारे लीडर है वो तभी मिल पाएगा। इसलिए 19 तारीख को हम सभी युवाओं से भाइयों से बोलेंगे कि आके वो अपना अपना वोट दें और अपना लीडर चुने, सही लीडर चुने। तेज कुमार, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। वोटिंग के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 21 सीटों पर लोकतंत्र का त्यौहार है। अब पूरे पूर्वांचल वासियों से विनम्र निवेदन है, जोरदार अपील करता हूं कि आप बिना खाए पिए, बिना नाश्ता किए पहले वोट डालें, फिर जाके नाश्ता पानी करें, खाना पीना खाएं। वेदपाल सिंह जी, 19 तारीख को गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में सभी नौजवान साथी, किसान, महिलाएं और मजदूर सभी लोग बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र को विजयी बनाएं, भारत विजयी हो, लोकतंत्र विजयी हो। राजेश कुमार तिवारी, हम गोरखपुर के सारे मतदाताओं से, नौजवान से, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, बहनों से, माताओं से, सबसे अपील करेंगे कि ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भारी संख्या में मतदान करें। कुमार, यह 19 तारीख को पब्लिक पूरा पब्लिक घर से बाहर निकले और मतदान दें, अवश्य दें। मैं एक अनुरोध गोरखपुर के समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो 19 तारीख को मतदान अवश्य करें, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है और इसको कर्तव्य समझकर उत्सव की तरह मतदान जरूर करें। यहाँ पर 60-80% मतदान की उम्मीद की जा रही, मैं कहता हूँ सभी लोग घरों से बाहर निकलें और 100% मतदान हो।